नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। और इस सीरीज़ में चैप्टर 6 में आज हम डिस्कस करेंगे माइनर एनर्जी और हेड लॉसेस इन पाइप के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक है पाइप में लघु हानि, लघु शीर्ष हानि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि एनर्जी लॉस या हेड लॉस जो होता है किसी पाइप में, वो दो तरीके से होता है। एक मेजर लॉस होता है और एक माइनर लॉस होता है। ठीक है, तो मेजर लॉस किसको बोलते हैं? घर्षण के कारण होने वाले हानि को मेजर लॉस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य या मेजर लॉस और माइनर लॉस ये अलग अलग कैटेगरी क्यों हैं? ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेजर लॉस जो है, जो एनर्जी जो फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, उस लॉस को हम चाहे पाइप छोटी हो या बड़ी हो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसको कैलकुलेट करना, उसको कंसीडर करना ज़रूरी रहता है किसी भी पाइप के लिए, है ना। इसलिए वो मेजर लॉस कहलाता है। और माइनर लॉस का मतलब क्या है? इसमें ऐसे लॉस आते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है फ्रिक्शन लॉस के कंपैरिजन में। इस लॉस को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको माइनर लॉस में रखा गया है। ठीक है, और ये माइनर लॉस किसके कारण होते हैं? वेलोसिटी में चेंज होने के कारण, वेग में परिवर्तन के कारण ये लॉस होता है। ठीक है, तो पाइप लंबी है तो वहाँ पे फ्रिक्शन लॉस इम्पॉर्टेंट रहता है, लेकिन माइनर लॉस क्या होता है, इसको नहीं लिया जाता है लंबी पाइप के लिए। लेकिन छोटी पाइप है तो उस केस में फ्रिक्शन लॉस के साथ साथ माइनर लॉस को भी लेना जरूरी रहता है। तो इस टॉपिक में आज बात करेंगे माइनर लॉसेस इन पाइप के बारे में। ठीक है, तो जनरली ये माइनर लॉस या लघु हानि क्यों होते हैं? ये होते हैं पाइप में किसी वजह से वेग के परिवर्तन होने के कारण। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है, अगर वो कारण समझ आ जाए तो लॉस भी समझ में आ जाएगा कि लॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो लॉस होने के बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लघु हानि होता है, जिसके कारण होता है किसी पाइप के डायमीटर या क्रॉस सेक्शन एरिया में अचानक चेंज होने के कारण। तो पहला जो लॉस है, लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, पाइप के डायमीटर में या एरिया में अचानक से वृद्धि होने के कारण उसमें हेड लॉस होता है, है ना, ये लघु हानि के अंदर आता है। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई छोटी पाइप है इस तरीके से, और ये छोटी पाइप है जिसका डायमीटर कम है, और ये अचानक से यहाँ पे इसका डायमीटर बढ़ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलार्जमेंट होना, बड़ा होना, वृद्धि होना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब ये फ्लूइड फ्लो होता है इधर ऐसे, ना, तो ये छोटी पाइप है, और जैसे ही इस पॉइंट पे आता है ना, तो ये कम डायमीटर से बड़े डायमीटर में बहने के लिए क्या करता है? ये छोटी डायमीटर है तो छोटी बाउंड्री है इसका फ्लो होने का, अचानक से बाउंड्री बढ़ जाती है तो ये फ्लूइड पार्टिकल क्या होता है, पूरे बाउंड्री को फॉलो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेस जो है ब्लैंक रह जाता है, खाली रह जाता है, इस तरीके से फ्लो होता है ये। तो ये अचानक से डायमीटर बढ़ने के कारण जो स्ट्रीम है या जेट है फ्लूइड का, वो पूरे बाउंड्री को फिलअप करके फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, खाली जगह रहता है। खाली जगह होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लूइड की पार्टिकल जो है या फ्लूइड जो है यहाँ पे भंवर धाराएं बनाती है ना, एडी करंट इसको बोलते हैं, एडी फॉर्म करता है, जिसके कारण इसमें एनर्जी में लॉस होता है, ऊर्जा में हानि होती है। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि यहाँ पे एडी करंट फ्लो होता है। ठीक है,
तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये फ्लो होकर फिर ये आउटलेट इधर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एनर्जी लॉस हुआ, कितना हेड लॉस हुआ, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ये सेक्शन वन है ना, इनलार्जमेंट होने से पहले, और एक पॉइंट लेते हैं इनलार्जमेंट होने के बाद, पॉइंट टू टू, ठीक है। इस पॉइंट पे वन पे और टू पे हम बर्नौली का इक्वेशन लागू करते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन लागू करते हैं, कंटिन्यूशन लागू करते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, सडन इनलार्जमेंट के कारण होने वाला हानि प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा हमें, सडन इनलार्जमेंट के कारण एच से इसको डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू हमें प्राप्त होता है वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर अपान टू जी। वी वन क्या है, छोटी पाइप में प्रवाह का वेग, और वी टू क्या है, बड़ी पाइप में प्रवाह का वेग। इस फॉर्मूले को यूज करके हम आराम से सडन इनलार्जमेंट के कारण होने वाले लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन में आगे के लेक्चर में अलग से इसका वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। अभी इतना ही समझिए कि हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट कैसे होता है, ठीक है। इसका ये इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ठीक है। ये डेरिवेशन दोनों पॉइंट को लेके डिराइव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हेड लॉस होता है, ये होता है लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, अचानक से डायमीटर में कमी या संकुचन हो, एरिया में संकुचन होने के कारण हेड लॉस होता है, शीर्षहानि होता है, जो कि लघु हानि के अंदर आता है। देखिए आपके पास कोई पाइप है इस तरीके से, बड़ी पाइप है, ठीक है, जिसका डायमीटर कम हो गया और ये छोटी पाइप से फिर फ्लो होना स्टार्ट किया। तो यहाँ से ये इनलेट है और ये आउटलेट है, ठीक है। तो यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और ये इस तरीके से फ्लूइड फ्लो होगा, है ना, ये इस तरीके से इसका प्रोफाइल बनेगा। और हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब कोई फ्लूइड बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर में जाता है तो यहाँ पे ये फ्लूइड का जो जेट है, जेट के फॉर्म में मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया को प्राप्त करता है, ठीक है। इस तरीके से ये संकुचित हो जाता है जब कम डायमीटर से बड़े डायमीटर की ओर जाता है, तो एक मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया को ये प्राप्त करता है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कहते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट फॉर्म होता है। वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट में मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया प्राप्त होता है जेट का, इस धारा का, और फिर इसके बाद ये अचानक से क्या हो जाता है, इस पूरी छोटी पाइप में फिल हो जाता है, ठीक है, और ये आउटलेट। तो फाइनली वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट में जेट का एरिया कम है और यहाँ पे एरिया बढ़ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट वन वन है और ये पॉइंट टू टू है, तो यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टर का पे एरिया कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो फाइनली यहाँ पे जो लॉस होता है वो किसके कारण होता है, बेसिकली इनलार्जमेंट के कारण ही होता है, क्योंकि ये वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट पे एरिया कम है, फिर यहाँ पे एरिया बढ़ जाता है जहाँ पे क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन में जो हेड लॉस होता है वो बेसिकली इनलार्जमेंट के कारण होता है वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट के बाद, है ना, वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट के बाद जेट में या फ्लूइड में इनलार्जमेंट के कारण ही यहाँ पे हेड लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन के पहले एक पॉइंट लेते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट के बाद एक पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट पे बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करके, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करके हम हेड लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हेड लॉस के लिए यहाँ पे इक्वेशन आपको फाइंड आउट होता है एच ई, है ना, सॉरी एच सी, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन है, ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.5 वी टू का स्क्वायर अपान टू जी। इस फॉर्मूले को याद रखना है,
ठीक है, ये वी टू क्या है, यहाँ पे छोटी पाइप में प्रवाह का वेग है, जो कि पता रहता है जी का वाल तो आपको पता ही है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लॉस होगा पाइप अगर डायमीटर कम हो रही हो तो, है ना। ये दूसरा लघु हानि है। तीसरा लघु हानि क्यों हो रहा है, देखिए इन दोनों में आप देखेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसके कारण ही हानि हो रहा है ना। जितने भी आप पढ़ेंगे लघु हानि सब में वेलोसिटी चेंज के कारण होगा। ठीक है, तीसरा जो रीजन है वो है लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप। कोई टंकी में पाइप लगा रहता है, ठीक है, ऐसा ही मान लो एक टंकी है और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है। ठीक है, इस टंकी से फ्लूइड जो है यहाँ पे ऐसे इंटर कर रहा है, तो ये इंट्रेंस है पाइप का, है ना। तो यहाँ पे कोई पाइप जब किसी टंकी में रिजर्वायर में कनेक्ट हो, है ना, तो पाइप के इंट्रेंस में एरिया कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी में लॉस होता है ना, हेड लॉस होता है जो लघु हानि के अंदर आता है। इसको ही हम लोग इंट्रेंस एट द पाइप पे हेड लॉस कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इसको इंट्रेंस के लिए एच आई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0.5 वी स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है, एच आई क्या है, इंट्रेंस पे हेड लॉस है, और वी क्या है, पाइप में होने वाले प्रवाह का वेग है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर पाइप ऐसा कनेक्ट हो टंकी में रिजर्वायर में तो उसके इंट्रेंस पे हेड लॉस होता ही है जो लघु हानि के अंदर आता है। इसके लिए ये वैल्यू रहता है हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हेड लॉस होता है, लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप। जैसे एंट्रेंस ऑफ पाइप पे लॉस होता है वैसे ही एग्जिट ऑफ पाइप पे भी लॉस होता है। मान लो कोई पाइप टंकी है जिसमें एक पाइप जुड़ा हुआ है, अब ये पाइप का एंट्रेंस यहाँ पे है, ठीक है, और ये दूसरा सिरा जो है हो सकता है एनवायरनमेंट में फ्री हो, तो एनवायरनमेंट में जब खुली हो तो उस समय एग्जिट में ज्यादा लॉस नहीं होता है। अगर इसका दूसरा सिरा भी एक और टंकी से या रिजर्वायर से जुड़ा हो, है ना, तब उस केस में यहाँ पे क्या होता है, हेड में लॉस होता है, है ना, यहाँ पे वाटर जहाँ पे आउटलेट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एग्जिट ऑफ द पाइप या एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट, ये होता है वी स्क्वायर अपान 2g के बराबर। यहाँ पे वी क्या है, इस पाइप में होने वाले प्रवाह का वेग है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट जो रीजन है जिसके कारण लघु हानि होता है या छोटा लॉस हो सकता है हेड लॉस में, वो क्यों होता है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप। पाइप में प्रवाह हो रहा है तरल पदार्थ, तो उसके बीच में कोई रुकावट आ जाए तो उसके कारण से भी क्या होता है, हेड लॉस होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई एक पाइप है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ये फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है ना। अब इसके बीच में अगर हम कोई एक वस्तु रख दें या रुकावट के लिए इस तरीके से कोई
एक मटेरियल रख दे जो इसके प्रवाह में क्या कर रहा है, प्रतिरोध पैदा कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण ये फ्लो कैसे होगा, देखिए फ्लो के कारण यहाँ पे ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, मिनिमम कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, वेना कॉन्ट्रेक्टा फॉर्म होगा इस तरीके से फ्लो में, ठीक है। इस तरीके से ये वेना कॉन्ट्रेक्टा जो है ऑब्स्ट्रक्शन के बाद सीसी फॉर्म होगा, और सीसी के बाद फिर से इसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इसमें हेड लॉस होता है, ठीक है। ये वेना कॉन्ट्रेक्टा फॉर्म होता है, वेना कॉन्ट्रेक्टा के बाद फिर से इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसके कारण इसमें हेड लॉस होता है। तो यहाँ पे हेड लॉस के लिए क्या इक्वेशन रहता है, एच ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, इसके लिए इक्वेशन है वी स्क्वायर अपान टू जी इन ब्रैकेट ए अपान सी सी ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, जो पाइप में प्रवाह हो रहा है उसका वेग ना। ए क्या है, एरिया ऑफ पाइप, पाइप का एरिया, और स्मॉल ए क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन पे मिनिमम एरिया है ना, या एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आप बोल सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन ये जो रुकावट है उसका एरिया, ठीक है, स्मॉल ए। और सी सी क्या है, यहाँ पे जो संकुचित हो रहा है, वेना कॉन्ट्रेक्टा फॉर्म हो रहा है, उसका कोफिशेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन सी सी, ये पता होना चाहिए, तभी आप हेड लॉस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इस इक्वेशन का यूज करके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होने वाले हेड लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो हेड लॉस होता है वो अगर कोई पाइप बेंड है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड ऑफ पाइप, जनरली आप देखते हैं कि पाइप को जब फिट किया जाता है, पाइप फिटिंग किया जाता है, तो वहां पे कहीं पे बेंड रहता है, तो बेंड है तो बेंड होने की वजह से भी वेलोसिटी चेंज होता है, और उसकी वजह से होने वाले हेड लॉस को लॉस ड्यू टू बेंड है, ड्यू टू बेंड इन पाइप कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है एच बी हेड लॉस ड्यू टू बेंड इज इक्वल टू स्मॉल के वी स्क्वायर अपॉन टू जी, ये होता है। यहाँ पे के क्या है, स्मॉल के ना कोफिशेंट ऑफ बेंड है, जितना बेंड है उसके हिसाब से ना, ये हमें पता रहेगा। और ये किस पे डिपेंड करता है ना, पाइप बेंड है तो उसका कितना रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, पाइप का डायमीटर कितना है, उसके हिसाब से ये के का वैल्यू होता है, ठीक है। और ये बेंड जो में कारण हेड लॉस जो हो रहा है किस होता है, क्योंकि जब बेंड होगा तो फ्लो होता है वाटर, तो उसमें एडी करंट फॉर्म होता है और उसके बहाव में टूट जाता है ना, सेपरेशन ऑफ फ्लो होता है, जिसके कारण उसमें लॉस होता है। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, कि पाइप में कितना प्रवाह वेग हो रहा है, ठीक है, ये दोनों पता रहेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे ही लास्ट जो रीजन है जिसके कारण हेड लॉस हो सकता है वो है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू पाइप फिटिंग। बहुत सारे पाइप फिटिंग यूज करते हैं ज्वाइंट करने के लिए, कपलिंग करते हैं ना, या और भी टी सेक्शन आई सेक्शन ज्वाइंट दिया जाता है, तो पाइप फिटिंग के कारण भी हेड लॉस होता है, और इसके कारण होने वाले हेड लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मूला है जो ऊपर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे के का वैल्यू पाइप फिटिंग के आधार पे अलग अलग होगा, कोफिशियंट ऑफ पाइप फिटिंग के, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम पाइप फिटिंग के कारण होने वाले लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजन है वेलोसिटी चेंज होने का, और उसके कारण ही
उसमें माइनर लॉस होता है, बहुत लघु हानि होता है जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब पाइप बहुत छोटी हो तो वहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करना आसान नहीं होता है, इसको कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, तो ये 7 कारण हो सकते हैं माइनर लॉस होने के, इम्पॉर्टेंट है। इसका मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे हेड लॉस होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे के कुछ लेक्चर में हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, कि कैसे ये इक्वेशन आया हुआ है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।